पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे। सुबह एकदम बारिश का कोई इरादा नहीं था कोई चीज की। और मशरूम को चल रहे हैं धोने के लिए, जैसे लग रहा है सुंदर कहीं का। मेरा बेटा भी नहीं खाता है, बेटी का पता। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग ये किया है, तो जस्ट मैंने एक ब्लॉग ख़त्म किया है, मतलब एंड किया, और तो एक और शुरुआत कर दी। तो ये लाई थी मैं, अभी सुबह सुबह ही गई थी मार्केट के तरफ, तो ये मशरूम मुझे मिल रहा था तो मैं ले आई। कम लाई हूँ क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ये वाला, पसंद नहीं करते। और ऐसे भी आज उनका पार्टी है, तो अगर बारिश रुकता है तो पार्टी जाएंगे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जाएगा, दोनों जान जाएंगे, और हम दोनों माँ बेटी के लिए ये मशरूम और चावल बनाऊंगी। अगर बारिश रुकता है, लाइट भी नहीं है तो गारंटी नहीं है, फिर भी इसे तो आज ही के आज ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और इतना बारिश हो रहा है कि मुझे चिंता लग रहा है कि मेरी बेटी कैसे आएगी। तो और आप सबका मैंने स्वागत किया कि नहीं, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आर के में, तो आप सबका स्वागत है। तो देखिए बारिश पूरा करीब एक घंटे से पूरा बारिश हो रहा है ये देखिए, और आज है शनिवार, तो बच्चों का मॉर्निंग का पूरा 6 बजे का स्कूल था, और अभी 12 बेटी का तो हो चुका होगा, 11:30 बजे हो रहता है। छाता और रेनकोट कुछ लेके नहीं गया है, लोग पता नहीं कैसे आएंगे, उन लोगों को कोई चिंता कर नहीं, ऐसे स्कूल में भी छोड़ते नहीं हैं। हाँ, जिनका जिनका सुविधा होगा वो तो निकल गए होंगे, और जिनका नहीं होगा तो अभी कॉल भी करूँगी कैसे क्या करेंगे। बेटी का जल्दी होता है, बेटा का तो 1 बजे होता है, तो उसका शायद उसके टाइम तक रुक जाए, और अभी 11:30 हो रहा है, और रुकते में मतलब रुकेगा भी नहीं, और पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे। सुबह एकदम बारिश का कोई इरादा नहीं था कोई चीज़, मतलब बारिश होगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं मौसम, नहीं तो रेनकोट या छाता लेके ही जाती मेरी बेटी, लेकिन नहीं गई। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, वही टेंशन लगा हुआ है, पहले वो आ जाए तो ये होगा, और देखते हैं कैसे कैसे ना कैसे टीचर लोग तो कोई ना कोई उपाय, बहुत सारे बच्चे नहीं ले गए होंगे, क्योंकि सुबह मेरा बेटा का भी दोस्त लोग आए थे, किसी ने रेनकोट कुछ नहीं लिया था, तो सभी होंगे स्कूल में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, और देखिए क्या क्या देखने को मिलता है ब्लॉग में, अभी मुझे खुद को भी नहीं पता है। हाँ, मशरूम की रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, बारिश हो रहा है और बाहर में मैं बारिश का मज़ा लेते लेते चाय तो ज़रूर बनता है, पकोड़े भी बनते हैं, लेकिन पकोड़े अभी बनाने का टाइम नहीं है, अभी लंच बनाने का टाइम है। भगवान जी मेरे को बोल रहे हैं अकेले अकेले चाय पी रही है, गरज रहे हैं मेरे ऊपर, गुस्सा हो रहे हैं। तो 12 बज गया, 11 बजे ये ब्लॉग का स्टार्ट किया था, 12 बजे, 1 घंटा हो गया, बच्चे नहीं आए हैं, कॉल भी, हाँ मेरी गलती है कॉल नहीं की हूँ, क्योंकि मैडम लोग भी परेशान होते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं पेरेंट्स लोग का कॉल जाता है, तो थोड़ा सा और वेट करूँगी तो कॉल करूँगी, तब तक चाय का मज़ा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में सब मैम लोग बहुत ये हैं, केयरफुली देखे जा रहे हैं, भीज के ले जा रहे हैं पेरेंट्स में, जो जो मतलब अपने बच्चों को लेने जाते हैं भीज के ही ले जा रहे हैं, तो अभी देखा मैंने, तो देखते हैं
कब तक बारिश रुकते हैं, भगवान कब तक खुलते हैं, जो बच्चों को ठीक बच्चों का स्कूल का टाइम में ये बारिश करते हैं, ऐसे ही होता है। देखिए बारिश लग नहीं रहा है कि बारिश रुकिएगा, और पर की बादल गरज रहा है। देखिए सुनाई दे रहा है आप सबको, तो ऐसे ही है। चलिए चाय पीती हूँ, उसके बाद अगर नहीं होगा तो कॉल करूँगी मैं उसको। थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा वो गुस्सा बोलने से मुझ पर नहीं होता है, लेकिन उन लोग भी तंग होते हैं, इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बाजार से आम लाई थी और मशरूम को चल रहे हैं धोने के लिए। इधर ये आ गई, टीवी चालू कर रही है। इसको ऐसे चाकू से ऐसे ऐसे क्रश कर करके साफ करेंगे। तो एक हाथ से कैसे करूं, तो इसीलिए करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से धो लिया, रुकिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा साफ से धो लिया है। ये थोड़ा ये ऊपर का ना स्लिप करता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड इसको खाते नहीं है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है ओला मशरूम से, तो इसलिए मैं ले आई हूँ अपने लिए। तो चलिए इसको अब ये करते हैं, काटते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं और ये करते हैं। इसको तो ऐसे ऐसे करने से ही हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा सारा मशरूम अब मतलब तोड़ दी मैं, इतना हुआ है, लेकिन गल के इतनी सा हो जाएगा, मतलब इतना होगा, दोनों माँ बेटी के लिए काफी होगा। अगर जदी बोली में अपना भाषा ये करती, अगर मेरे हस्बैंड नहीं के बारिश भी रुक गया। ये देखिए पूरा मौसम साफ हो गया, दिख नहीं रहा। ये देखिए हमारा सतरंगी छाता जरा जरा हो रहा है, गाना भी सुनाई देता होगा, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। तो जाएंगे शायद पार्टी में, उड़िया पार्टी है, दिन का पार्टी है, मतलब बहु भात जो कहते हैं वही है। तो जाएंगे उन लोगों, तब तक लाइट भी चला गया घर का, जब तक मैं ब्लॉग का ये करी थी। तो चलिए मशरूम की सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर आम काटे हैं, ले ले आम, कच्चा टाइप का है। जाएंगे पार्टी, जा तैयार हो जा, इधर ये आ गया है, जैसे लग रहा है तो हीरो को नहीं देखा है। नहीं, हीरो लगता है जैसे लग रहा है, सुंदर कहीं का वायरल कौन बोल दिया कि सुंदर लोग कौन वायरल हो जाते हैं, कौन बोला तेरे को? नहीं, अब ये सीन पूरा वायरल हो जाए। खट्टा है रे, फ्री में चल जाइए, ऐसे ही आएंगे। ये कहाँ है? सब बोलेंगे कि राती से बाहर का ऐसे ही आ गया है खाने में, ठगा गई। आम मीठा नहीं है, खट्टा वाला है, नमक मिर्चा लगा के खाना पड़ेगा, खट्टा है गाइस। तू जाएगी स्कूल, ले जाएंगे कि कैसे? मतलब नहीं जाएगी तो वाटर कलर ला दें, ठीक है? चलिए आम खा कर तब सब्जी बनाऊंगी। लाइट जा रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं सील में पीस करके मसाला और मशरूम की सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए मसाले में मैंने लिया है बड़ा इलायची, छोटा इलायची, मिर्ची चार और लहसुन और गोलकी। अदरक नहीं डालते हैं, मतलब मशरूम की सब्जी में अदरक नहीं डालते हैं। तो चलिए इसको पीसते हैं।
मौसम। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने मसाला ही पीस लिया और मसाला में और भी मिक्स किया है। ये कलर मिर्ची है, ये हल्दी है और ये चिकन मसाला है थोड़ा एवरेस्ट का। तो सिल का पिसा हुआ मसाला का तो बात ही कुछ और ही होता है। और इधर मेरा मशरूम और इधर मैंने प्याज का तड़का लगा चुकी हूँ। इसको सुनहरा रंग जब हो जाएगा तब मसाला भी भूनूंगी इसी। इधर मेरा चावल हो रहा है, आज जरा सा चावल बना रही हूँ क्योंकि हम दोनों माँ बेटी ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बना रही हूँ। तो मेरा प्याज लगभग भून चुका है तो अब मसाला डाल दूंगी। इसमें नमक नहीं डाली थी, नमक अभी डालूंगी मैं, बाकी सब मैंने मसाले में ही मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स मेरा मसाला देखिए पूरा हो चुका है, पूरा कलर उसका चेंज हो गया है और ये भी छोड़ दिया है तेल भी। तो इसमें मशरूम को ऐड कर दूंगी मैं, और इसमें पानी उनी कुछ नहीं डालूंगी, ये अपने ये मशरूम ही पानी छोड़ेगा। तो इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी देर में ये अपने गलने लगेगा और पानी छोड़ने लगेगा। नमक भी डाल दी थी मैं, तो इसको ऐसे मिक्स करके और फिर ढक दूंगी। ये देखिए कैसा हो गया, तुरंत ही पानी उसका छूटने लगा। और देखिए ये थोड़ा लिप लिप करता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं इसको, मेरा बेटा भी नहीं खाता है, बेटी का पता नहीं। बेटी को तो थोड़ा कह देती हूँ, थोड़ा डांट देती हूँ तो खा ही लेती है। तो ये देखिए अब इसको ढक करके धीमी आंच में रख दूंगी, थोड़ा सा गल जाए। और इधर मेरा चावल भी हो ही चुका है तो इसका भी मार निकाल दे दूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा मशरूम का सब्जी बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इधर मैंने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए और मिट्ठू के लिए मैंने चावल निकाल दिया है। तो ये देखिए पहले मिट्ठू को दे देती हूँ, उसको सान दूंगी उसमें ही तो खा लेगा वो। मिट्ठू का ऐसे सान दे रहे हैं और ये देखिए खाना निकल गया है। ये कितना टेस्टी दिख रहा है। ये देखिए मेरा मिट्ठू खा रहा है दीदी, इधर हमारा और मेरी बेटी का, हम लोगों का। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो गया दोनों माँ बेटी का, पूरा पेट भर के खा लिया। और एक चीज दिखाऊं, अभी इसी ब्लॉग में आपको मैंने बारिश दिखाया ना, अभी देख रहे हैं सूर्य भगवान कहाँ गए हैं, ये देखिए, देखे सूर्य भगवान का ये अन्याय देखिए। और ये देखिए जमीन कैसा सूख गया तुरंत। तो ऐसे ही करते हैं ये सूर्य भगवान, और अभी थोड़ी ही देर में गर्मी भी पूरा लगने लगेगा क्योंकि ऐसा धूप निकल आया है तो गर्मी लगेगा ही लगेगा। तो यही हो रहा है, इसी की वजह से सबका तबीयत भी खराब हो रहा है, गर्म ठंडा हो जा रहा है तुरंत तुरंत। तो सब कोई को मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब तबीयत सर्दी बुखार हो रहा है। मुझे भी सर्दी कल भी हुआ था, हर रोज एक तो दवाई खाना ही पड़ रहा है। क्या कर रही है तू, आम खा रही है। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपका मेरी वीडियो का आप सबके पास पहले चल जाए।
और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यारे प्यारे कमेंट भी प्लीज जरूर कीजिएगा, और लाइक करना बहुत जान भूल जाते हैं क्योंकि व्यूज के हिसाब से लाइक नहीं रहता है मेरा, तो प्लीज लाइक भी थोड़ा सा कर दिया कीजिएगा। ठीक है, बाय, फिर मिलती हूँ एक प्यारे से और अच्छे से ब्लॉग के साथ।